अभी मेरे ब्लॉग में आने से शर्माती है यार भाई, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में भाई मजा आ गया भाई, मन तो कर रहा है। टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट टेस्ट कर रहे हैं सर। भगाने हो यार वैसे अभी भाई, अबे रुक। ओहो कंग्रेचुलेशन भाई। और भाई कब आया तू? आज तू निकल गए मेरे तो। क्या बोला? डंबल का डालो। किसके हाथ में पढ़ाई तुमने? पहले। और इस तरह अपने पूरे कॉटेज बने, मतलब अगर आपको कैंपिंग करनी। गाइस आज हमारा बन रहे आलू के पराठे गर्मा गर्म भाई, और हमारे भाई बना रही है आराम से आलू के पराठे। तो भाभी मेरे ब्लॉग में आने से शर्माती है यार भाई, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि भाभी को ब्लॉग में दिखाओ। तो अभी आलू के पराठे बनते हैं। बेइज्जती क्या यार भाभी, देखो नेचुरल भाई ये चीज तो होती है, हम ब्लॉग में जो करते हैं डेली वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुछ कहना चाहते हो? कुछ बोलने नहीं आता, कोई नहीं सीख जाओगे। पराठे हम बाद में खाएंगे और दिखाते हैं आपको अंदर के हाल क्या हो रहे हैं आजकल। मम्मी सोती है यहाँ पे, सो गई क्या? जाए ओई छेगे छेगे तू। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक टू द चैनल। तो भाई आज की हमारी जो ब्लॉग की डेली सीरीज है 8 बजे स्टार्ट हो रही है रात को, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल यार बाहर बन रहे आलू के पराठे जो आपने देख लिए हैं, और इंटरव्यू मैंने आज बाद में किया क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते रहेंगे ना रोज। क्या बोल रहा? क्यों क्यों पहले बताओ रीजन क्या है? अब कुछ नहीं होता भाभी यार। यार देखो हम जो नेचुरल चीज होती है ना ब्लॉग में ऐसी बनाते हैं, ठीक है, जो हम करते हैं डेली, हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, अभी यहाँ पे हैं, ये कर रहे हैं, तो सब चीज दिखाना पड़ता है। ठीक है भाई, ये मेरा रूम है, ठीक है, गरीबों का रूम, यहाँ पर मैं सोता हूँ रात को। वैसे तो गाइस दिल्ली से ना मैं एक वो लेके आया ब्लूटूथ जो, और ये मेरा कमरा है। और एक चीज और जो मैं अपनी जनता को शेयर करना चाहता हूँ, पहले ना मैं बहुत पहले एक साल पहले सोचता था कि अगर मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा ना अच्छा खासा, तो मैं अपने के लिए घर पे स्टूडियो बनाऊंगा अच्छा सा मस्त करके, मतलब बैकग्राउंड में पूरा बैनर लगा के, एकदम कुर्सी वर्सी लगा के और लाइटिंग लगा के ना मैं सोचा था भाई, लेकिन सपना पता नहीं कब पूरा होगा। मैंने ना वैसे दीवार पे नाप ले रखा कि मुझे एक वो लेके आना बैकग्राउंड पोस्टर, ठीक है, उसको लगाऊंगा आराम से, उसके बाद हम वहां पर जो है ना अपना जो एडिटिंग है जो भी है वीडियो का सीन शॉट वहां पे, ये जो दीवार है ना भाई मैं यहां पे लगाने की सोच रहा हूं। तो ये जो लाइन खींच रखी मैंने 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है नीचे को, और चौड़ाई भी ऐसी है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा बढ़िया करके, लाइटिंग यहाँ पर लाइट लगाऊंगा, और यहाँ से मेरा कमरा जो है पूरा यहाँ पर कुर्सी वर्सी लगाऊंगा और मस्त। तो भाई बहुत जल्दी बनाएंगे यार, ऐसा नहीं है भाई, वक्त होता है भाई, हर किसी चीज का टाइम आता है भाई। अगर हम सोचेंगे अभी ये करे तो वो तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि टाइम टाइम की बात है मेरी जान। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक वैसा ब्लॉग बनाऊ आज, इसी ब्लॉग में कुछ प्लान फेल हो रहा है, क्योंकि नीरू अभी बिजी है ना, और ये भाई के फोन में रिचार्ज नहीं है, तो क्या करें तू बता, करें नहीं करें? कल का करते हैं, हमारे फोन में रिचार्ज नहीं है वाले फोन में यार। एक काम करते हैं, अब प्रैंक वीडियो कल बनाएंगे और बाकी इस वाले ब्लॉग का ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, घर पे आता हूँ पराठे खाता हूँ भाभी के हाथ। उसके फोन में रिचार्ज नहीं है। हाँ गुड मॉर्निंग मेरे चीतो। तो फाइनली अभी उठ चुके हैं, और तुम बहुत लेट सोया था ना इसलिए उठा भी लेट। तो अभी जो है मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, और आज का जो डे है देखते हैं कैसा होता है फिलहाल। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको अपना रिजॉर्ट जहाँ पर मैं काम करता हूँ, डेली वर्क करता हूँ। पता नहीं यार हमारे आम के पेड़ पे ना जितने भी भौर आए थे पूरे सारे के सारे झड़ गए, देखो सब सड़ गए यार ये भाई। फाइनली यार आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग देखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई आजकल जो है तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा है, इतने ब्लॉग ला रहा है, इतना डाटा खर्च कर रहा है, इससे ज़्यादा
और क्या करूं भाई बताओ मुझे। गाइस किस तरफ धूप आ गई है देख रहे हो आप, तो इस वाले पुलिया को आराम से क्रॉस कर लेता हूँ मैं, देखो छोटी वाली नहीं। लेकिन भाई ऐसा है ना कि खतरा हर जगह है, कहीं से भी गिर सकता है भाई बंदा। पर आ चुके हैं और इस तरफ देखो हम ट्रैक्टर की लीक है, रेते में कितनी मस्त लग रही ना। इससे पहली वाली वीडियो में आपने पूरा एंजॉय किया होगा क्योंकि ये पूरे क्रिकेट का ब्लॉग था। फाइनली पहुंच चुका हूँ लेमन ट्री के रिजॉर्ट के सामने। फिलहाल यार अभी ये गेट खोलना पड़ेगा, तो इसको बंद भी कर देता हूँ यार क्योंकि खोला सही। यहाँ के रूम है ये, चेक कर लो। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुका था रिजॉर्ट में और आप देख सकते हो ये हमारा रिजॉर्ट है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर किचन है और वहाँ से रास्ता है गाँव का, और इस तरफ ना पूरे कॉटेज बने हैं। मतलब अगर आपको कैंपिंग करनी है, टेंट वेंट लेना है तो वो भी ले सकते हो यहाँ पे। और फिलहाल उस तरफ सारे रूम है और ये ग्रीन व्यू है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ है, घास फूस इतनी अच्छी। अभी हम पहुँच चुके हैं रोड पे क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम है, तो आप देख सकते हो यार बस तो चल रही यार, एक दो देखो एक बस ही आ रही है यहाँ पे से जस्ट, लेकिन यहाँ से कोई नहीं आ रही है। अबे सूर्य भाई आ गए अपने, मेरी टाइमिंग क्या है ब्लॉग बनाने की, क्या हाल है? कंग्रेचुलेशन भाई। और भाई कब आया तू? गाइस फाइनली हमारे ग्रुप में एक तगड़ी सुपर बाइक आ चुकी है जो कि सामने है, और ये ले रखी सूरज भाई ने। कहाँ गया? पार्टी दे दे भाई, अब सुन पार्टी नीचे मेरे को। तो भाई यार देख रहे हो। सो गाइस फाइनली पहली बार हम बैठ रहे इस बाइक में और देखते हैं क्या होता है, देखते हैं उड़ते हैं हल्के चलिए ठीक है भाई। तो भाई पहली बार बैठ रहा हूँ मैं आज सुपर बाइक में, ठीक है देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है भाई। अभी हम निकल चुके हैं फैक्ट्री को और कुछ अर्जेंट काम है हमें वहाँ पे। यूके चले सब ड्राइवर का रिएक्शन कि भाई ये क्या दिया। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे भाई, सच में फट गए थे यार कैमरे भाई, आंसू निकल गए मेरे तो। हेलो ब्रो। तो भाई देखो फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और दिल की जो हार्ट बीट है बहुत तेज हो गई मेरी। ओ भाई मजा आ गया भाई, एक बात है भाग को कुछ भाग रही है भाई ये। तो भाई फाइनली पहली बार बैठा मैं सुपर बाइक में तेरी भाई कसम से, पूरा हो गया बैठने का। अभी फोटो खिंचाऊंगा थंबनेल के लिए ठीक है। तो भाई सूरी भाई को कांग्रेचुलेशन यार दोबारा बोल रहा हूँ ठीक है भाई। बाकी अभी यहाँ पे चलते हैं बैंक में और काम कराते कुछ। क्या अभी जो है हमारा काम हो चुका है बैंक का, और आप बाइक के सिनेमैटिक सीन लेते हैं फिर चलेंगे नीचे को वापस ही दोबारा राइड लेने के लिए। देख लो भाई पहली बार मैं सुपर बाइक में बैठा, वो भी सूरज भाई की वजह से। वैसे मैंने देखी तो थी भाई, पता है मैं दिल्ली गया था ना जब मैं, तो मैं उस टाइम अबे मैं जी नौ सौ में बैठा, टेन आर में बैठा था भाई। मुझे डर लगता है सर, एक ट्रायल तो बनता ही है। तो गाइस अभी यहाँ पे वो हो रहा है टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे राइट टेस्ट कर रहे हैं सर। तो गाइस अभी निकलते हैं घर को वापसी, तो हम जाएंगे स्लो स्लो।
तो ठीक है भाई। तो भाई यहाँ से थोड़ा वीडियो के लिए थंबनेल लेते हैं और उसके बाद निकलते घर को। मजा आ रहा भाई शहर में से? क्यों नहीं आएगा, किसी बात कर रहे भगाने हो यार ऐसे? अभी तो कहीं भाग रही होगी। तो बस आ गई, रोडवेज आ गई भाई। अबे रुक जा भाई, मतलब बहुत ऊंची है भाई ये, सच में बहुत ऊंची। बस बैंक का काम भी हो गया और एक राइड भी कर ली हमने छोटी सी, तो जा रहा हम। कैसा लगा आपको बैठ? भाई मजा आ गया भाई, मन तो कर रहा लॉन्ग ड्राइव पे जाए कहीं, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में जाएंगे ना तब मजा आएगा भाई। इतना क्या, चलेंगे 250 किलोमीटर चलेंगे डायरेक्ट। तो भाई फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ होटल में और अभी मैंने लंच वंच कर लिया, खाना खा लिया, भात खा लिया आराम से। तो भाई मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, ये ब्लॉग की सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी गाइस, ठीक है? सब्सक्राइब करो यार प्लीज, कीप सपोर्टिंग भाई।